How was the film? About Ranveer? My favorite. Always my favorite. Huh? Please, he's the best. Sanjay Dutt? Man, actually, I think he overdid himself. Okay. And please do not add. Amazing. What is amazing about the movie? Kya khas hai film mein? Ranveer was amazing. Sanjay Dutt sir also. Like, about the storyline? Too good. A story kaisi hai film ki? Kahani kya? Story was also good. Like, yeah, warrior film. Direction part? Direction was good. Yeah, Vani Kapoor as an actress? She was good. Yeah. But yeah, some parts like, yeah. Could have been better. Sir, just speak up. I love the cinematography, it was really nice, and the way it's directed, portrayed a few things, and the details, I loved it. What is the strength of the film? Basic, kya hai sabse batata? Story, I guess. Out of 5 stars? In order of 4.5. One time watch hai, do baar dekh sakte hain is film ko? Dekh sakte. Thanks, sir. रणवीर की एक्टिंग कैसी है? बहुत अच्छी है। संजय दत्त बहुत अच्छी है। बबानी कपूर के बारे में बताइए। अच्छे लग रहे थे। डायरेक्शन पार्ट अच्छा था। आउट ऑफ 5 स्टार्स 4। रणवीर कपूर का वाओ। ओके, यहां पे संजय का खास क्या फिल्म है? म्यूजिक एंड डायरेक्शन। और स्टोरी लाइन क्या कैसी है? और जो दिखाने की कोशिश की है उसको साबित कर पाए ये? आउट ऑफ 5 स्टार्स 4। सर, हाउ द फिल्म? बहुत ही बढ़िया थी, मज़ा आया। बस स्टोरी थोड़ी वीक लगी, बाकी सबकी एक्टिंग में बहुत मज़ा आया। रणवीर सर को इतने टाइम बाद देखा तो उसके लिए एकदम मज़ा आ गया। संजय दत्त बहुत गजब थे। वाणी कपूर थोड़ी सी वीक लगी, बाकी तो स्टोरी और थोड़ी सी और अच्छी होती तो शायद मज़ा। डायरेक्शन पार्ट कैसा है? डायरेक्शन पार्ट बहुत बढ़िया था। मतलब ऐसा लगा नहीं कि हाँ ठीक है, साउथ की मूवीज़ देख देख के जैसा होता ना कि साउथ की मूवी तो लगा कि हाँ ठीक है, बॉलीवुड भी कुछ तो कर सकता है। मज़ा आया। वाओ। आउट ऑफ 5 स्टार्स? 3.5। वन टाइम वॉच है, टू टाइम वॉच है? एटलीस्ट 2 टाइम तो देख सकते हैं। थैंक्स सर। थैंक्स सर। आए मिला लीजिए। क्या मिला? अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। आप बताइए क्या खास है, क्या खास नहीं है? देखिए, कुछ खास तो नहीं नज़र आया। हाँ, बचपन में हम लोग जो विक्रम और बेताल की कहानियाँ सुनते थे ना, और उससे नींद आ जाती थी, वैसा ही फिल्म बताया। पूरा इस तरह का फिल्मांकन है, इतना बड़ा बजट, इतने हीरो हीरोइन, इतने अच्छे से, लेकिन वही डकैती नहीं है, बेसलेस मूवी। बेसलेस कह रहे हैं, लेकिन सब लोग तारीफ कर रहे हैं, रणवीर की तारीफ कर रहे हैं कि देखिए, अब एक्टर है वो और हीरो का बेटा है, हीरोइन का बेटा है, तो एक्टिंग तो जानता ही है। एक्टिंग की तो कोई बात है ही नहीं। सवाल है कि पिक्चर में कोई दम तो होना चाहिए। ईद आ रहे हैं, घोड़े दौड़ रहे हैं, रेगिस्तान में घोड़े दौड़ रहे हैं, कोई बेस तो होना चाहिए ना पिक्चर में। तो आप क्या फिल्म को फ्लॉप साबित कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मतलब समझ कुछ आया नहीं। डकैती का पिक्चर है, हिंदुस्तान है, फिर फॉरेन है, फिर अंग्रेज लोग आ जाते हैं, फिर अंदर में गद्दार आ जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता। थैंक्स सर। फोन आ रहा है सर आपका। हाउ वाज द फिल्म? हाउ वाज द फिल्म? हाउ वाज द फिल्म? कैसी लगी? नाइस, अच्छी थी। थोड़ा नीचे की बात निकाली है, सो एक्सपेक्टेशन अच्छी होती है सब लोग की, अच्छी उतरी। नेक्स्ट, रणवीर कपूर के बताइए, एक्टिंग वाइज कितना प्रूफ किया अपने आपको? पूरा प्रूफ किया है, उनको जो बताना था वो बता पाए हैं उसके बारे में। संजय दत्त के बारे में बताइए, उनका एक्टिंग मेरे को अच्छी लगी, उनकी जो रोल दिया था उनको वो बहुत अच्छे से खड़े उतरे उन चीज़ पे। नाइस। वाणी कपूर जन एक्ट्रेस, क्या वाणी कपूर कितना प्रूफ कर पाई? वो कर पाई, वो और कर सकते थे। मेरे को वाणी कपूर मीन्स थोड़ी बहुत मेरे को केमिस्ट्री थोड़ी ठीक लगी उन लोग के साथ, बट नाइस। आउट ऑफ 5 स्टार्स? 3.5। इट्स अ वन टाइम वॉच और टू टाइम वॉच? सर बताइए कैसी लगी फिल्म? पिक्चर में कुछ दम नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि ये जो बड़ा बैनर है सर फिल्म, वो लव स्टोरी वगैरह बनाने में बहुत फेमस है, उससे इतनी ऐसा एक्सपेक्टेशन था ऐसा कि अच्छी फिल्म बनेगी ऐसा। इसमें डायरेक्शन स्टोरी वगैरह पर कुछ नहीं, आर्टिस्ट कह रहे थे, आर्टिस्ट ने काम अच्छा किया कि नहीं? आर्टिस्ट संजय दत्त से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था कि अग्निपथ का कांचा जैसा रोल होगा, लेकिन उसमें नहीं है, उसमें अच्छा रोल नहीं किया उसने। तो इस तरह की फिल्म किस दर्शक के लिए है, कौन से दर्शक के लिए ऐसी फिल्म है? एक्चुअली क्या है, पिक्चर जो है ना चलेगी नहीं मेरे ख्याल से, सिर्फ खाली वाणी कपूर का जो काम गाने हैं, दो तीन गाने बहुत अच्छे। तो आउट ऑफ 5 स्टार्स कितना स्टार्स दीजिएगा? मैं 1 स्टार बस। सुपर फ्लॉप भले अभी भीड़ है लेकिन फ्लॉप। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ तो मुझे तो थोड़ी दिखोगे सर, कैसी लगी फिल्म? एकदम झकास। क्या खास है फिल्म? खतरनाक मूवी, डेंजर मूवी। इसने
शमशेरा नहीं देखी, उसने कुछ भी नहीं देखा लाइफ के अंदर। आप भी शमशेरा का लुक के बहुत प्रभावित हो लगता है। हाँ जी, उसकी एक्टिंग, रणवीर कपूर की, संजय दत्त, वाणी कपूर सबकी एक्टिंग चकास, और डायरेक्शन का जवाब नहीं। तो आप काम करना चाहते थे ऐसे फिल्म में? बिल्कुल बिल्कुल, एक्टर अगर मैं भी एक्टर होता मैं जरूर काम करता। क्या रोल प्ले करते? जैसा वो डायरेक्टर साहब मुझे देते, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाता ना। अच्छा, हाँ तो देखेंगे दोबारा ये फिल्म? हाँ दोबारा देखूंगा, देखने जा रहा हूँ, टिकट मेरे पास है। चलिए क्या बात है, देखो देखने जा रहा हूँ, मेरा मन नहीं भरा, मेरा मन नहीं भरा। और गाने या हूँ गाने बहुत बहुत ही अच्छी मूवी है, मतलब जस्ट ए मास्टर पीस। 50 साल पूरे हो गए यशराज फिल्म को, तो इन्होंने जो भेंट दिए पब्लिक को शमशेरा के रूप में, जो नाम था बॉलीवुड का शहनशाह, वो शायद वो नाम हट जाएगा, शमशेरा हो जाएगा। जो 4 साल की डेडिकेशन लगा है रणवीर कपूर ने, वो खूब ही दिखता है फिल्म में, आप देखो कि पता चलेगा इतनी मेहनत किया उन्होंने। हर एक डायलॉग्स पर उनके गूज़बम्प्स आएंगे हर एक एंट्री पर, और शमशेरा का जो गाना है हर एक हर दूसरी तीसरी सीन के बाद जो बैकग्राउंड में बजता है सुखविंदर सिंह की आवाज़ में, वो आग लगा देती है दिल। तो आउट ऑफ 5 स्टार कितना देंगे? सब 5/5। दोबारा देखना है फिल्म में? श्योर, मैं दोबारा फिर भी देखूंगा। जो स्टोरी लाइन है बहुत ही अच्छी तरह से लिखी गई है, एक्टिंग बहुत अच्छा है, और एक्शन टॉप नॉट्स, मजा आएगा। थैंक यू। फिल्म शमशेरा कैसी लगी आपको? शमशेरा सुपर ही, मेरे को काफ़ी पसंद आई। रणवीर कपूर को मैंने 4 साल के बाद कम बैक किया, माइंड ब्लोइंग। लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगा, पूरी मूवी को संजय दत्त ने खा गया पूरी मूवी बंदे ने, कि क्या काम किया। धीरा के बाद मेरे को लगा कि यार बंदे ने कुछ अलग किया। अच्छा सुपर, और ये मूवी सभी को देखनी चाहिए। करण मल्होत्रा इस मूवी का डायरेक्टर है, जिन्होंने अग्निपथ बनाई थी। अच्छा, उनका ये नहीं बोलूंगा कि अग्निपथ के जैसा उन्होंने डायरेक्शन किया, लेकिन काफ़ी अच्छी डायरेक्शन किया उन्होंने, और लोगों को पसंद आएगी मूवी का एक्शन सीन्स भी है काफ़ी अच्छी है। रणवीर कपूर की एक्टिंग वही जो उन्होंने करते हैं, यार मान लिया बंदे में एक्टिंग है, मतलब बंदा ना सुपर काम करते हैं। थैंक यू भाई। मूवी मुझे शमशेरा बहुत पसंद आई। मैं शमशेरा को बहुत सारी उम्मीदों के साथ देखने नहीं गई थी, क्योंकि ये जो एक सेटिंग है वो अक्सर बॉलीवुड में थोड़ी मिस हो जाती है, क्योंकि कभी कभी हम स्केल के चक्कर में कहानी इतनी अच्छी नहीं कह पाते, और कहानी के चक्कर में कभी कभी विजुअल सपोर्ट नहीं करते। तो मुझे डर तो था कि ये फिल्म कैसी लगेगी बड़े पर्दे पर ये बड़े पर्दे पर देखने के लायक ही फिल्म है। मुझे लगा कि इसके विजुअल्स और कुछ एक्शन सीन्स बहुत सुंदर हैं, बहुत ही वेल कोरियोग्राफ्ड हैं, और बहुत बिलीवेबल विजुअल्स लगे मुझे इनके, जो इसका जो VFX है। और कहानी में बहुत ड्रामा है, जो आई थिंक करण मल्होत्रा जाने जाते हैं, तो वो मुझे बहुत पसंद आया। तो आई लाइक द फिल्म। व्हाट अबाउट रणवीर कपूर एज एन एक्टर, ये टर्निंग पॉइंट होगा उनके करियर के लिए? ये डेफिनेटली आई थिंक ये वर्सेटैलिटी जोड़ेगा रणवीर कपूर की करियर में, क्योंकि रणवीर एक तरीके के जॉनर में देखे गए हैं, अर्बन स्पेस में ज़्यादा देखे गए हैं, और वो एक एक कमिंग ऑफ एज बॉय की तरह देखे गए, पर यहाँ पर वो एक डबल रोल में है, एक्शन कर रहे हैं, बहुत बिलीवेबल एक्शन कर रहे हैं, और जहाँ उनकी इंटेंसिटी जिसके लिए वो जाने जाते हैं, जहाँ वो लानी है वहाँ पे भी वो मुझे बहुत सुंदर लगी ये बात कि ये फिल्म इतनी बड़ी है लार्जर देन लाइफ है, पर उसके हीरो के जो इमोशंस हैं वो फिर भी इतने रिलेटेबल इमोशंस हैं, बिकॉज मुझे लगता है वो रणबीर में एक खूबी है जिस तरीके से वो परफॉर्म करते हैं। लास्टली संजय दत्त कितना ज़्यादा लार्जर देन लाइफ में स्ट्रेट करते हैं हर फिल्म में, इसमें कितना क्रेडिट कर पाए? मुझे संजय दत्त अच्छे लगे, क्योंकि वो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे थे, पर मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि उनका कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। मुझे लगता है कि उनको बेटर डायलॉग्स देने चाहिए थे, वो बहुत ऐसे डेंजरस विकेट बनने की कोशिश कर रहे थे, तो मुझे बुरा लग रहा था कि अगर आपका एक्टर इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आप उसको थोड़ा और प्ले ग्राउंड देते खेलने के लिए। तो आई विश संजय दत्त का कैरेक्टर थोड़ा बेटर होता फिल्म में। थैंक यू।